बाड़मेर शहर के बीचों बीच स्थित वांकल टावर में मंगलवार की रोज अचानक आग लग गई। आग लगने की घटना से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर तत्काल ही अग्निशमन दस्ता और स्थानीय पुलिस दल के साथ साथ नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक पहुंचे और बचाव राहत कार्य को शुरू किया गया। बाड़मेर शहर के बीचों बीच स्थित वांकल टावर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। सोमवार शाम को रायकोलानी रोड पर स्थित भाजपा नेता रूप सिंह राठौड़ के वांकल टावर में अचानक लोगों ने दूसरी मंजिल से धुआं उठता देखा। लोगों ने तत्काल ही फोन करके फायर ब्रिगेड को और स्थानीय पुलिस को अवगत कराया। तुरंत में अग्निशमन दस्ता और नागरिक सुरक्षा दस्ता मौके पर पहुंचा और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किए गए। वांकल टावर के दूसरी और तीसरी मंजिल पर जहां होटल बनी हुई है उनके तीन कमरों में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई। इस टावर में इंडियन ओवरसीज बैंक का ATM, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ATM और एक अन्य बैंक का ATM स्थित है। साथ ही रायकोलानी रोड बाड़मेर शहर के सबसे व्यस्त मार्ग में से एक है। ऐसे में आगजनी की घटना से भारी भीड़ यहाँ जमा हो गई। उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम की तीन गाड़ियाँ मौके पर पहुंची और साथ ही नागरिक सुरक्षा का दस्ता भी मौके पर पहुंचा और बचाव एवं राहत कार्य को शुरू किया। मौके पर पहुंचे SDM रोहित चौहान ने घटनास्थल का जायजा लेने के साथ शहर के सभी बड़े शॉपिंग मॉल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर सेफ्टी और फायर सेफ्टी के बारे में नगर परिषद प्रशासन से जानकारी लेकर पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश देने की भी बात कही। अंदर एक जो तीसरी मंजिल पे कमरा है उस पे शॉर्ट सर्किट लगा, इसी के अंदर आग लगी थी, परंतु समय पर जो है ये म्युनिसिपल की और सिविल डिफेंस की जो फायर ब्रिगेड आ गई और काबू पा लिया। आग के ऊपर ऐसा बड़ा विशेष कोई नुकसान नहीं हुआ है और बाकी सभी लोग अंदर से बाहर निकाल दिया, सब लोगों अंदर कोई नहीं है इसके अंदर। अभी नगर परिषद से बात करके एक बार आज बुलाया उनको यहाँ पर अभी और इसका सर्वे करवा लेते हैं। यदि ऐसा कुछ फायर सिस्टम उन्होंने नहीं लगवाया है या इमरजेंसी एग्जिस्ट नहीं है कोई, तो उसके बारे में उनसे चर्चा करके और नोटिस देके कार्रवाई करेंगे। समाचारों के प्रसारण तक बचाव एवं राहत कार्य पूर्ण कर लिए गए थे और आग पर काबू पा लिया गया था। मौके पर बाड़मेर के स्थानीय पुलिस एवं विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे।